हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं पास्ता की रेसिपी। छोटे बड़े सभी को पसंद रहता है पास्ता। बच्चे को आप टिफिन में भी पैक कर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पानी को उबलने के लिए हम एक कढ़ाई में दे दिया है। आप लोग देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। तब हम पास्ता को उबाल लेते हैं। पास्ता उबलने में 5 से 7 मिनट टाइम लगेगा। तो हम पास्ता को उबाल लेते हैं। तो हम ढककर पास्ता को उबालेंगे। बीच बीच में आप चलाते रहिए, बीच बीच चेक कर लीजिए आप इस तरह से। देखिए, हम 2-2 मिनट पर हम चेक कर लिए हैं। तो आप लोग भी चेक कर लीजिए 2-2 मिनट पर, ताकि नीचे चिपके नहीं पास्ता। आप छोड़ दीजिएगा ना तो नीचे चिपक जाएगा पास्ता। तो आप बीच बीच में चेक करते रहिए। तो मेरा 5 से 7 मिनट हो गया। तो देखिए पास्ता अच्छे से उबल गया है। देखिए सर, पास्ता को हम 90% तक ही उबालेंगे। दोस्तों, ज़्यादा उबालने से क्या होता है कि आपकी पास्ता टूट जाएगी। तो हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे, सिर्फ 90% ही उबलना चाहिए पास्ता। तो मेरा देख सकते हैं उबल गया है। 5 से 7 मिनट में मैंने उबाल लिया है पास्ता को। बीच बीच में आप चेक करते रहिए, छोटे छोटे बातों को आप ध्यान देना होगा दोस्तों। तो बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा ताकि पास्ता नीचे चिपके नहीं। तो देखिए मेरा पास्ता उबल गया है। तो मैं कढ़ाई का पानी निकाल लिया है। यही कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच सरसों ऑयल ऐड करूंगी। सरसों ऑयल के जगह आप बटर भी यूज कर सकते हैं। मैं सरसों तेल का यूज कर रही हूँ, इससे टेस्टी बहुत ही बनती है दोस्तों। तो ऑयल मेरा गर्म हो गया है। तो मैं इसमें 5 से 7 कली लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन से क्या होता है, पास्ता का फ्लेवर है ना, बहुत ही अच्छा आता है, स्वादिष्ट भी बनता है पास्ता। तो हम लहसुन को ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस होता है 30 सेकेंड हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हरा मिर्च, शिमला मिर्च मैंने हाफ लिया है, एक बड़ी साइज की मैंने टमाटर ली है, 4-5 हरी मिर्च लिया है, सबको मैंने बहुत ही पतला पतला चॉप किया है। बड़ी साइज की मैंने प्याज ली है, प्याज को मैंने बहुत ही पतला पतला कट किया है, थोड़ा सा मोटा है, देख सकते हैं। आप सभी को पतला पतला ही चॉप करें दोस्तों, इससे आपकी पास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम सबको मिक्स कर देते हैं और ढककर हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इससे आपकी पास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप जब भी फ्राई करते हैं ना, तो ढककर ही फ्राई करें, ताकि शिमला मिर्च प्याज अच्छे से भुना जाए। इसको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन तक भूनेंगे। तो चलिए हम भून लेते हैं सबको एक साथ। ढककर बीच बीच में चेक करते रहिए, 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे दोस्तों। तो देखिए, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हो गया है दोस्तों। तो हम एक मिनट और भूनेंगे, अभी थोड़ा सा और होगा। शिमला मिर्च है ना, थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है दोस्तों। तो आप जब भी बनाते हैं ना पास्ता, तो शिमला मिर्च पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पकना चाहिए। तो मेरा हो गया है दोस्तों। तो हम मिर्ची 1/2 चम्मच ऐड कर रहे हैं। ये पास्ता मसाला है, 2 चम्मच हम पास्ता मसाला ऐड कर रहे हैं। पास्ता में पास्ता मसाला जरूर ऐड करें। 1/2 चम्मच हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर हमने घर पर ही तैयार किया है। अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी गरम मसाला मैंने घर पर ही तैयार किया है। अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक मसाला को भूनेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। गैस होना चाहिए, गैस मीडियम ही रहना चाहिए। तो मेरा मसाला भुना गया है, 1 से 2 मिनट हो गया मेरा। तो मैं टमाटर सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच। इसी से तो पास्ता टेस्टी बनता है दोस्तों। तो आप जब भी पास्ता बनाते हैं ना, तो टमाटर सॉस जरूर ऐड करें। उसके बाद हम पास्ता इसमें ऐड करें जो मैंने पास्ता उबाला था। तो देखिए कैसे ये पास्ता छिमिछी हो गया है। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम है मेरा अभी, थोड़ा सा मीडियम होता है ना उस तरह से मैंने गैस को कर दिया है। ऐसे तो मैं लाइन वाला चूल्हा पर बना रही हूँ दोस्तों, अगर आप गैस पर बनाते हैं तो मीडियम ही रखें। तब मैंने सबको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक भून लिया है। पास्ता मसाला को अच्छे से सेट भी हो गया है दोस्तों। तो लास्ट में हम धनिया पत्ता ऐड करके सबको गरम गरम दे देते हैं। आप लोग को हम दिखा देते हैं कैसे पास्ता बना है। तो अब देखिए बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों। तो आप लोग आइए घर पर पास्ता खाने के लिए। बहुत ही लचीला बना है दोस्तों।
तो एक बात का आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आप जब भी पास्ता उबालते हैं ना, थोड़ा सा कम ही उबाले, 90% तक। अगर आप पूरा उबाल दीजिएगा ना तो सारा टूट जाएगा। देखिए मेरा एक भी पीस नहीं टूटा है दोस्तों। तब कैसा लगा आप लोगों को मेरा पास्ता की रेसिपी, कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और मैं सोमवार को केक का रेसिपी बताऊंगी, हैप्पी हैप्पी बिस्कुट का मैंने केक बनाई है। थैंक यू दोस्तों।